हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम्स। आज मैं आप सबके साथ भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक और सिंपल मेथड है। होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसी में ऐड कर लिया है 4 स्पून ऑयल। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसी ऑयल में, जैसे ऑयल गर्म होगा, 250 ग्राम्स के करीब मैंने भिंडी को वॉश करके ड्राई कर लिया था और इस तरह के 1.5 इंच में इसको कट कर लिया था। तो हम इस भिंडी को इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो भिंडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, इसमें एक अपना मॉइस्चर होता है, तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। अब ये फ्राई हो चुकी है, हम इसको निकाल लेंगे। उसी ऑयल में हम ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज़ के अनियन। इस तरह के क्यूब्स में हम इसको कट कर लेंगे और उन्हें भी ऑयल में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम कम से कम 1 मिनट तक इस तरह से सॉटे करेंगे ताकि अनियन जो है सॉफ्ट हो जाए। एकदम कंप्लीट कुक नहीं करना है इसे। तो ये देखिए, अब जो है प्याज भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो इसे भी मैं निकाल लूँगी। तो हमने भिंडी और प्याज को जो है हमने फ्राई करके निकाल लिया है और उसी में 1 स्पून ऑयल हम फिर से ऐड करेंगे और ऐड कर लेंगे 1/2 स्पून ज़ीरा। और ज़ीरे को हम क्रैक होने देंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और उसके बाद ऐड कर लेंगे करी लीव्स और जो है लाल मिर्च, और इन्हें भी हम जो है जीरे के साथ मिक्स कर लेंगे। ये भी अगर जो है जैसे क्रैक होंगे तो हम इसमें चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक ऐड कर लेंगे। जिंजर और गार्लिक को हम जो है इसको एकदम कुक नहीं करना है, थोड़ा सा हम 5 to 10 सेकेंड के लिए इसको सॉटे करेंगे। आप जिंजर गार्लिक जो है चॉप करके भी डाल सकते हैं और पेस्ट पे आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड कर लेंगे 1 टमाटर चॉप किया हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर को जो है मिक्सी में, ग्राइंडर में पीस के भी ऐड कर सकते हैं और फाइनली चॉप करके भी। तो इसी में ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और ऐड कर लेंगे 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून रेड चिल्ली पाउडर। इन सब चीज़ों को भी अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसी के साथ ऐड कर लेंगे कर्ड। और यहाँ पे फ्लेम को एकदम लो रखना है। तो ये देखिए, हम सारे मसालों को हमको अच्छे से भून लेना है। तो जैसे ही इसमें से ऑयल रिलीज़ होगा, इट मीन्स कि ये मसाला अच्छे से भून चुका है। आप इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो। अभी मसाला रेडी है, इसमें हम जो हमने जो भिंडी और प्याज को जो फ्राई किया हुआ था इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपको सॉल्ट कम लगे तो आप थोड़ा उसमें ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो इस सब मसाले में भिंडी और प्याज को हम अच्छे से कवर करके कम से कम 1 मिनट के लिए एक बार कुक कर लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। और 1 मिनट के बाद हम इसका जो है ओपन करके फिर से देख लेंगे। तो ये अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। एक्चुअली जो है भिंडी और प्याज तो पहले से फ्राई किया हुआ है तो उसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस मसाले में वो मिक्स हो जाए उतनी देर हम इसको
ढक के पका लेंगे 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए बन के रेडी है भिंडी दो प्याज़ा। होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।